आदिवासी समाज का फैसला सामने आया है। सर्व आदिवासी समाज हर गांव से उतारेगा प्रत्याशी, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज समाज की बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर फैसला होगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 465 गांव आरक्षण को लेकर फैसला नहीं होने से आदिवासी समाज नाराज है। इधर चुनाव आयोग के सामने चुनौती खड़ी हो जाएगी, ईवीएम में इतने सारे प्रत्याशियों के नाम शामिल करना मुश्किल होगा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आज समाज की बैठक में प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला होगा। दरअसल आदिवासी समाज आरक्षण के मुद्दे पर नाराज चल रहा है और ऐसे में विधानसभा क्षेत्र में कुल 465 गांव हैं और आरक्षण को लेकर फैसला नहीं होने से फिलहाल आदिवासी समाज नाराज है। अब चलेंगे भानु प्रतापपुर, बात करेंगे सहयोगी नेहा किशनवानी से। नेहा, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है उपचुनाव को लेकर? सियासी सरगर्मियां तेज हैं, इधर आदिवासी जो है लगातार सरकार से नाराज है और विरोध कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, ऐसे में सबसे अधिक भानुप्रतापपुर चुनाव में जो है वो आदिवासी समाज की संख्या रहेगी। और यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण को लेकर के जो मुद्दा चल रहा है, आदिवासी समाज का एक बड़ा वर्ग जो है वो विरोध प्रदर्शन में है, क्योंकि उनका जो आरक्षण है वो 32% से घटकर 20% हो गया है और इसी के लिए एक समाज में एक आक्रोश देखा जा रहा है। और उसी लिहाज में आज ये आदिवासी समाज ने इस तरीके से फैसला लिया है कि वे भानुप्रतापपुर उपचुनाव में हर गांव से एक जो प्रत्याशी है उसे खड़ा करेंगे। ये आक्रोश के तौर पे समाज ने ये फैसला लिया है। भानुप्रतापपुर विधानसभा सीट से 465 गांव है, 3 विकास खंड के अंतर्गत 465 गांव आते हैं। यदि आक्रोशित समाज ने इस पर अपनी मुहर लगा दी और 465 गांव से प्रत्येक प्रत्याशी खड़ा कर दी, तो कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे प्रत्याशियों को खड़ा करना भी एक चुनौती होगा और ईवीएम में इतने सारे प्रत्याशियों के नाम शामिल करना भी कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। फिलहाल इसको लेकर के सर्व आदिवासी समाज आज जो है एक बैठक करेगा और बैठक में कितने प्रत्याशियों को खड़ा करना है, बिल्कुल एक बैठक होगा, बैठक के बाद में ही फैसला हो सकेगा कि आखिर कितने प्रत्याशियों को कहां खड़ा करना है। बहुत शुक्रिया नेहा केशरवानी खबर को विस्तार से बताने के लिए।